मोहब्बत होती है तो यू नो बाकी सारे मामलात। और जब वो उसको प्रपोज करने लगता है फाइनली, तो वो कहती है कि मैंने कुछ छुपाया है, और वो फिर अपनी आइडेंटिटी बता देती है कि बेसिकली मैं एक लड़का थी, वो एक पिक्चर दिखाती है, लेकिन मैंने सर्जरी करवा के अपने शरीर में आई हूँ बिकॉज मेरे इनर साइड में लड़की थी, तो आई वॉन्ट के लोग जो भी मुझे एक्सेप्ट करें वो इसी तरह से करें। तब उन भाई साहब की मोहब्बत जो होती है वो उड़न छू हो जाती। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे सब? आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, रिश्वत होंगे, मजे में होंगे, और आप लोगों के नोटिफिकेशन है जो कि मेरे दूसरे फोन पे आ रहे हैं। बाय द वे, यूट्यूब पे वीडियोस का सिलसिला जारी और सही रहेगा, आती रहेंगी वीडियोस, लेकिन आज की ये वीडियो जो जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ, थंबनेल से और टाइटल से आप लोगों को अंदाजा हुआ होगा, और यही सेम वीडियो मेरी इंस्टाग्राम फैमिली के लिए भी जाएगी, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू अवेयर पीपल के ये टॉपिक जो है ये एक टैबू नहीं है, बल्कि हमें सबको इस पे बात करनी चाहिए। लेकिन जो इंस्पिरेशन बनी मेरी इस पे बात करने के लिए, वो बनी एक फिल्म जो कि है चंडीगढ़ कड़े आशिकी, एंड जो इसमें एक्टर और एक्ट्रेस है दोनों ही लिटरली अमेजिंग। बिल्कुल आसान नहीं होता बिकॉज एज अ ब्लॉगर, एज अ इन्फ्लुएंसर मैं रिलेट इसलिए कर सकती हूँ बिकॉज हम लोगों को अगर कोई कैंपेन मिलती है या किसी ब्रांड के साथ काम करना, तो हम 10 बार उस पर रिसर्च करते हैं कि यार अगर हम बात करेंगे, परफॉर्म करेंगे या यू नो एंडोर्समेंट देंगे तो हमारा इमेज क्या बनेगा, ये एक छाप तो नहीं लग जाएगी। बट एज अ आर्टिस्ट, एज अ एक्टर, एज अ एक्ट्रेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, वट एवर, अगर आप इस फील्ड में हैं तो आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप इस टॉपिक पे आर्ट परफॉर्म करें और लोगों को अवेयर करें। सो बेसिकली अगर रिव्यू की बात करें तो ये फिल्म है किस हवाले से, ये फिल्म है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हवाले से, ट्रांस कम्युनिटी के हवाले से, और अगेन इस टॉपिक पे मैं मुख्तलिफ अपने शोज में भी बात कर चुकी हूँ, ऋषा शेराजी के साथ, रीम शरीफ के साथ, और मेरी बड़ी अच्छी इन लोगों से गपशप भी रहती है। हम लोग हमेशा एक ट्रांसजेंडर देखते हैं कि भाई ही और शी, बट इसमें भी एक टर्म्स है डिफरेंट। अगर आप लोग चाहेंगे तो इंशाल्लाह मैं एक और प्रोग्राम रख सकती हूँ जो कि हम मुकम्मल तौर पर इसी अवेयरनेस के हवाले से रखेंगे जो कि इंशाल्लाह हम रखेंगे। सो बेसिकली ये फिल्म है ट्रांस कम्युनिटी के हवाले से कि एक हीरो होता है, गबरू जवान होता है पंजाब का, और दिल थोड़ा सा टूटा होता है क्योंकि एक गर्लफ्रेंड छोड़ के जा चुकी होती है। इसी तरह से एक तरफ एक ट्रांस गर्ल होती है, बेसिकली वो जो उनकी फिजिक है, जो उनका फिगर है, जो उनका बॉडी कह लें आप, वो तो लड़के की होती है, वो एज अ मेल पैदा होती है, बट इनर साइड पे वो फीमेल होती है। सो क्या होता है कि उनको कम्युनिटी और उनकी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही होती, कुछ चीजें मूव करके वो अपना सिटी मूव करती है और दूसरे शहर में आती है, लेकिन जिस शहर में वो चंडीगढ़ जब मूव करती है उससे 3 साल पहले ही वो अपनी सर्जरी करा चुकी होती है, 6 साल पहले गालमन, क्योंकि 3 साल पहले रिलेशनशिप में रही और फिर बॉयफ्रेंड छोड़ के जा चुका होता है, तो 6 साल पहले वो सर्जरी करवा लेती है कि वो फीमेल बन जाती है। सो जब वो दूसरे शहर में जाती है, नए लोग, और वो देखते हैं कि यार कितनी खूबसूरत लड़की है, कितनी यू नो फिगर अच्छा है, फिजिक अच्छी है, अट्रैक्ट होते हैं, प्रपोज भी करते हैं। इसी तरह से वो जब जिम ज्वाइन करती है, वो बेसिकली जुम्बा इंस्ट्रक्टर होती है, और जो वो लड़का है वो उसका जिम का ऑनर होता है, वो जिम इंस्ट्रक्टर भी होता है, तो उसको हो जाती है मोहब्बत। मोहब्बत होती है तो यू नो बाकी सारे मामलात, और जब वो उसको प्रपोज करने लगता है फाइनली, तो वो कहती है कि मैंने कुछ छुपाया है, और वो फिर अपनी आइडेंटिटी बता देती है कि बेसिकली मैं एक लड़का थी, वो एक पिक्चर दिखाती है, लेकिन मैंने सर्जरी करवा के अपने शरीर में आई हूँ बिकॉज मेरे इनर साइड में लड़की थी, तो आई वॉन्ट के लोग जो भी मुझे एक्सेप्ट करें वो इसी तरह से करें। तब उन भाई साहब की मोहब्बत जो होती है वो उड़न छू हो जाती है, और वो मतलब वो रिएक्ट करते हैं जो कि हमारी सोसाइटी करती है, जो कि आमतौर पर हमारी कम्युनिटी करती है। रियली हैट्स ऑफ टू देम, उन्होंने इस कॉन्टेंट पे बात की, और फिर उसके बाद फाइनली इसमें उन्होंने अवेयरनेस प्रॉपरली दिखाई है, कुछ इमेजेस हैं जिसमें वो बताते हैं, डॉक्टर से मुलाकात होती है, फिर उसके अलावा वो बंदा रिसर्च करता है, कुछ टेडेक्स टॉक्स हैं। आप लोग भी प्लीज इस टॉपिक के हवाले से बात करें। और हमारे यहाँ एक ड्रामा बना था, ट्रांसजेंडर पैदा होता है, और वो फिर कम्युनिटी या सोसाइटी या फैमिली किस तरह, हमारे पाकिस्तान में भी इन टैबू टॉपिक्स पे बात हो, बजाय हम सास बहू के झगड़े और आम ब्रेकअप हो गया, पैचअप हो गया, सुसाइड कर लिया, निकल आई इस चीज से बाहर, बिकॉज दुनिया बहुत आगे पहुंच गई है। ये रियली रियली टॉपिक्स हैं जिन पे बात करने की जरूरत है, क्योंकि मिथ्स बनी हुई है हमारे यहाँ अमूमी तौर पर खानदानों में। ये होता है कि एक है, हमें कहा जाता है कि तुम ट्रांसजेंडर दोस्त नहीं रख सकते या रख सकती, अगर कोई ट्रांसजेंडर के साथ है तो यू नो एक गलत निगाह से देखा जाता है कि यार किसी और रिलेशन में होंगे। आई थिंक वो डायरेक्ट बात कर देनी चाहिए कि फिजिकल नीड्स शायद पूरी हो रही होंगी कहीं से, और उनको हम बड़ी हकारत की निगाह से देखते हैं। इसके अलावा अगेन आप लोगों के माइंड में एक सवाल होगा
कि बहुत सारे लोग खुद ट्रांसजेंडर बनते हैं बैगिंग के लिए या कुछ इस तरह से, वो एक अलग चीज है। बात करने की जरूरत है, कंटेंट बनाने की जरूरत है और अवेयरनेस ये देनी बनती है, जो बेसिकली लेसन है कि यार प्लीज डू एक्सेप्ट देम। अगर आपकी फैमिली में, आपके घर में, आपके इर्द गिर्द कम्युनिटी में कहीं ट्रांसजेंडर कोई पैदा हो जाता है तो ये उनका कसूर नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। और वो जिस तरह से चाहे, वो लड़की बनकर बात करना चाहे, लड़का बनकर बात करना चाहे, जो वो अंदर से है बेसिकली, तो उनको एज इट इज एक्सेप्ट करें, ना टॉन्ट करें, ना उनकी जिंदगी जहन्नुम में बनाएं। आपको नहीं पता कि वो किस तरह की डिप्रेशन में, किस तरह की सर्कमस्टांसेस से गुजर रहे होते हैं। और लिटरली मैंने ये देखा है अपनी कम्युनिटी में कि हम लोगों की वजह से, और टू बी ऑनेस्ट ये मर्दानगी नहीं है, और अगर आपको खातून होने पर भी फख्र है कि आप कोई खातून है तो क्योंकि तीर नहीं मारा आपने। हार्मोनल इम्बेलेंस पे आप लोग बात करते हैं अक्सर, अवेयरनेस भी दे रहे होते हैं, तो कभी ना कभी कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज एक अल्लाह ताला की मखलूक समझते हुए, उन्हें एक आम इंसान समझते हुए, उनकी उतनी ही रिस्पेक्ट करना हम सब पर फर्ज है जितना कि एक मर्द या औरत की रिस्पेक्ट करना फर्ज है। तो एट द एंड मूवी का रिव्यू ये था कि वो एटलीस्ट, वो जो इंसान है, जो एक्टर है, आयुष्मान उनका नाम है, और वो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। उनका नाम वाणी कपूर है एंड लिटरली शाउट आउट टू हर, लाइक उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, डायलॉग डिलीवरी इतनी अच्छी थी, लाइक उन्होंने प्रॉपर जस्टिस किया है इस रोल के साथ। और दैट्स इट यार, मूवी जरूर देखें, नेटफ्लिक्स पर मौजूद है, और अपना रिव्यू भी दें, बात भी करें। अगर आप, आई एम नॉट सेइंग कि आप ओपनली बात करें, लाइक यूट्यूब पे ही आपने आना है, अगर आपका यूट्यूब चैनल नहीं है, इंस्टाग्राम पर बात करना चाहते हैं, बट अपने इर्द गिर्द जो आपका क्लोज सर्कल है, जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, उनको अवेयरनेस दें। और सबसे बड़ी बात, आपकी जो आने वाली नस्ल है, जो आपके बच्चे बच्चियां हैं, उनको भी अवेयरनेस दें। उनके सामने ही डोंट गो देयर, उनसे बात ना करो, नहीं करें, क्योंकि आपको नहीं पता उनके स्कूल में शायद एक ट्रांसजेंडर बच्चा या बच्ची पढ़ रहा हो जिसको लोग बुली करते हैं, और हम लिटरली बुली करते हैं। और अगर हमारी वजह से कोई ट्रांसजेंडर या कोई भी इंसान अपनी जिंदगी ले लेगा तो सवाल होगा, इस सवाल पे गौर करें। That's it. I really wanted to give a review about this movie. Go watch on Netflix and yes, give your review. Thank you so much. Allah Hafiz.